200 ग्राउंड भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए। 200 टाटा आईपीएल 2023 का फाइनल व अंतिम मुकाबला शुरू हो चुका है। अहमदाबाद के मैदान पर 200 रवि शास्त्री आए टॉस कराने के लिए। मैदान पर आए महेंद्र सिंह धोनी और उनके साथ हार्दिक पांड्या। 200 दोनों ही कप्तान आमने सामने आए टॉस के लिए। पिछले साल ही हार्दिक पांड्या ने फाइनल खेला था और वो वापस से आए हैं, तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी 2 साल के बाद वापस से फाइनल में पहुंच चुके हैं आईपीएल 2023 के। टॉस की अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या ने टॉस को उछाला, लेकिन टॉस गिरा महेंद्र सिंह धोनी की झोली में। जी हां दोस्तों, फाइनल मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीत लिया, जिसके चलते इस मुकाबले में टॉस जीतते ही महेंद्र सिंह धोनी ने गेंदबाजी को चुना, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने उतरी मैदान पर गुजरात टाइटंस की टीम शुभमन गिल व वृद्धिमान साहा सलामी बल्लेबाज बनकर आए। 200 मात्र 1 रन पर कैच ड्रॉप होकर रह गई दीपक चहर से शुभमन गिल की पहले ही ओवर में, लेकिन उसके बाद वृद्धिमान साहा ने शानदार शॉट्स लगाए और उनके साथ शुभमन गिल ने भी एक ही ओवर में 16 रन निकाले तुषार पांडे के ओवर से पावर प्ले में, जिसके चलते 4 ओवर में ही 40 रन तक पहुंच गई गुजरात टाइटंस की टीम बिना कोई विकेट खोए। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों की पावर प्ले तक बल्लेबाजी काफी ज्यादा शानदार रही। शुभमन गिल और वृद्धिमान साहा ने काफी अटैकिंग बल्लेबाजी की और दोनों के बीच में पावर प्ले के एक ओवर पहले ही इस मुकाबले में अर्धशतकीय साझेदारी हो गई। 200 पावर प्ले तक शुभमन गिल और साहा ने 60 रन चढ़ दिए, लेकिन पावर प्ले के अगले ओवर में इस तरीके से शुभमन गिल अपने पैर को आगे ले बैठे क्रीज से और पीछे महेंद्र सिंह धोनी ने इस तरीके से स्टंपिंग कर दी, बड़ी विकेट निकाली जाने स्टंपिंग कर महेंद्र सिंह धोनी ने शुभमन गिल को 39 रन पर आउट किया 20 गेंदों में। 200 फिलहाल मैदान पर विद्यमान साहब बल्लेबाजी कर रहे हैं, 30 गेंदों में 40 रन लगाकर उनके साथ सारी प्रदर्शन आए हैं। 9 ओवर में 80 रन बना चुके हैं गुजरात टाइटंस की टीम एक विकेट खोकर। लेकिन दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की स्टंपिंग को 10 से